नमस्कार प्यारे साथियों आप देख रहे हैं संसारपुर के यूट्यूब चैनल जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा सात की गणित ठीक है और जो अभ्यास है वो है आपका दक्षता अभ्यास ठीक है तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है वो है माइनस आठ की पावर सात के गुणा रूप में लिखिए तो हमें करना क्या है सिंपल सा क्वेश्चन है इसको हमें क्या करना है कि माइनस आठ किस रूप में लिखा के गुणा रूप में लिखिए यानी माइनस आठ गुणे माइनस आठ कितनी बार लिखना है सात बार लिखना है ठीक है तो तीन हो गया ये हो जाएगा चार ये हो जाएगा पाँच उसके बाद छ और ये हो जाएगा सात ठीक है सात बार हमें लिखना था अब यहां पर देखिए माइनस एक की पावर नौ सौ निन्यानबे का मान कितना होगा अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान देकर कान खोलकर सुन लीजिए माइनस एक की पावर अगर कोई विषम संख्या है विषम संख्या मतलब जिसमें दो का भाग ना जाए उसका जो मान आएगा वो आएगा माइनस का एक और अगर माइनस एक की घात में सम संख्या आ जाती है सम संख्या आती है तो उसका मान होगा प्लस का एक ठीक है अब यहां पर आप देखिए क्या होगा यहां पर माइनस एक की पावर क्या लगी है विषम संख्या है विषम संख्या और जब विषम संख्या है तो इसका मतलब इसका जो मान होगा वो माइनस का एक होगा ये हो जाएगा आपका आंसर प्रश्न नंबर तीन में कहा गया कि तीन की पावर आठ गुणे तीन की पावर बारह का आधार तीन पर घाती संकेतन लिखिए तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों जब आधार बराबर हो तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं यानी तीन की पावर आठ प्लस बारह हो जाएगा तो यहां से आएगा तीन की पावर बारह आठ बीस ये रहेगा आपका आंसर ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एक दो और तीन ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे चलिए हम लोग अब आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर चार पांच और छह नंबर देखिए बच्चों इसमें कहा गया कि नौ की पावर सात भागे नौ की पावर तीन का आधार नौ पर घातीय संकेतन लिखिए बेहद आसान क्वेश्चन है सबसे पहले आपको क्या समझना है कि ये आपके आधार हैं और ये घात है ठीक है और भाग में घाते घटती हैं गुणे में घाते जुड़ती हैं जब आधार बराबर हो ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा नौ की पावर सात माइनस तीन तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो नौ की पावर सात में तीन जाए कितना बचेगा चार ये हो जाएगा आपका आंसर अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आठ की पावर 5 में 5 चला जाएगा जीरो बचेगा और संख्या की घात जीरो का मतलब होता है एक ठीक है अब छठवां नंबर देखिए अब यहां पर घातों का आपस में ऐसे गुणा हो जाया करता है ठीक है तो यहां पर आपका आएगा दो की पावर तीन अठे चौबीस ये हो जाएगा आपके छठवे का आंसर उम्मीद है कि बहुत से बहुत आसान तरीके से आपको हमने समझाया और पूरी तरह से आपको समझ में भी आ गया होगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर छह के बाद आगे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सात आठ और नौ देखिए बच्चों इसमें कहा गया माइनस एक सौ अट्ठाइस को माइनस दो के घात रूप में व्यक्त कीजिए सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों है सबसे पहले क्या करना एक सौ अट्ठाइस का गुणनखंड करना है ठीक है तो एक सौ अट्ठाईस का हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए देखिए इकाई अंक आपका आठ है दो से हम काटेंगे दो छंग बारह दो चौको आठ दो तेई छी चार दो एक अन्नम दो, दो छह उसके बाद दो अठे सोलह दो चौको आठ दो चार और दो एकम दो देखिए कितने दो हो चुके हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस दो की पावर सात यही हो जाएगा आपका आंसर क्योंकि हमें घात के रूप में व्यक्त करना था ठीक है अब यहां पर आठवा नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया सात बटे नौ का होल स्क्वायर को सरल कर मान ज्ञात कीजिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों ये सात बटे नौ का होल स्क्वायर करेंगे सात का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा उनचास आएगा नौ का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा इक्यासी भाग ये भागे रहेगा और चौदह का हम लोग स्क्वायर करेंगे चौदह का स्क्वायर ना करके हम लोग देखिए ऐसे करेंगे चौदह गुड़े चौदह ठीक है तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ आ जाएगा अब आप कहेंगे चौदह गुड़े चौदह क्योंकि ये तो आप चाहें तो इसका एक सौ छियानवे भी लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं एक सौ छियानबे ठीक है तो लेकिन हम एक सौ छियानवे ना लिखकर हमने केवल चौदह गुड़े चौदह किया है ठीक है अब आगे देखिए अब ये देखिए ये संख्या वैसी की वैसी रहेगी उनचास बटे इक्यासी और भाग की जगह पर गुणा लगा देंगे और संख्या बदल देंगे तो ये हो जाएगा नौ बटे चौदह गुणे चौदह ठीक है अब कितने से काटेंगे देखिए ये इसको हम नौ से काटेंगे नौ नम नौ नौ नवा इक्यासी सात से काटेंगे सात सता उनचास सात दूनी चौदह सात एक सात सात धूनी चौदह देखिए कितना बचता है ऊपर देखिए एक बच रहा है नीचे बचता देखिए कितना नौ धूनी अठारह अठारह धूनी छत्तीस यानी एक बटे छत्तीस आपका राइट आंसर होगा अब क्वेश्चन नंबर नौ देखिए इसमें कहा गया माइनस चार की पावर चार किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है तो यहां पर आप देखिए जैसे मान लीजिए ये है संख्या ए इसका अगर गुणात्मक पित्लोम हम पूछ लेते हैं तो इसका हो जाएगा एक बटे ए हो जाएगा ठीक है ऐसा गुणात्मक प्रतिलोम बताते हैं तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा देखिए अब जैसे मान लीजिए यहां पर माइनस का होता तब भी इसका गुणात्मक प्रतिलोम एक बटे ए ही आता ठीक है तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा माइनस यहां पर ऐसे लिखेंगे देखिए एक बटे करके एक बटे माइनस चार की पावर चार ठीक है तो इसे हम लिख कैसे सकते हैं इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस चार की पावर माइनस चार लिख जाएगा या, या आपका क्या हो जाएगा ये आपका धनात्मक भी हो सकता है ठीक है चार की पावर माइनस चार ये हो जाएंगे इन दोनों संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम आपका यही निकल के आएगा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर नवा सब में आ गया होगा ठीक है चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दस क्वेश्चन नंबर दस और ग्यारह देखिए बच्चों इसमें कहा गया कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी अड़तीस चवालीस कितने जीरो एक दो तीन चार पांच जीरो मीटर है इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है जो संख्याएं लिखी उन्हें हमें लिख लो पहले ठीक है जितनी भी संख्या आपको दी गई है उस संख्या को आपको लिख लेना है कितने जीरो है पांच जीरो है एक दो तीन चार पांच अब पहला स्टेप क्या करना है जितने अंक हैं उन अंकों को आप लिख लीजिए ठीक है फिर गुणा कर देना है कितने जीरो हैं पांच जीरो इसे लिख दीजिए दस की पावर पांच ऐसे कर सकते हैं ठीक है ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे कर लीजिए पांच जीरो आप लिख लीजिएगा ठीक है अब यहां पर देखिए ये जो भी लिखा गया है उसमें क्या करना है कि हमें एक अंक पहले दशमलव एक अंक बाद दशमलव लगा देना है ठीक है हमने किया क्या दशमलव देखिए तीन अंक इधर खसका ला, लाए हैं तो इधर तीन जीरो और बढ़ जाएंगे एक दो तीन चार पाँच तो पहले से ही थे एक दो तीन और बढ़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हो जाएगा तीन दशमलव आठ चार चार गुणे दस की पावर आठ मीटर में दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका मीटर ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा अब यहाँ पर ग्यारह नंबर देखिए कहा गया प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी चौरानवे साठ पांच उसके बाद ग्यारह जीरो आपको लिखे गए हैं ठीक है मीटर है इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है इसको भी ऐसे ही करना है सबसे पहले हमें जो भी संख्या दी गई उसको हम लिख लेते हैं ठीक है चौरानबे साठ पांच कितने जीरो हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह जीरो हम लिख लेंगे ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह अब देखिए अब आपको करना क्या है चौरानवे साठ पाँच जितने जीरो हैं उतने हम जीरो आगे लगा देंगे ठीक है चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह अब आपको क्या करना है एक अंक बाद दशमलव लगाना, है यानी एक दो तीन चार चार अंक पहले दशमलव को लाना है ठीक है और जितने अंक पहले लाएंगे उतने जीरो में आगे और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए ग्यारह तो आपके पहले से हैं ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह चार अंक हम पहले लाए हैं तो चार जीरो और बढ़ जाएंगे एक दो तीन चार तो टोटल कितने जीरो हो गए पंद्रह जीरो हो गए यानी नौ दशमलव चार छ नौ गुणे दस की पावर हो जाएगा पंद्रह मीटर में है तो ये हो जाएगा आपका मीटर ठीक है उम्मीद है बच्चों कि दस और ग्यारह आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे ठीक है समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ग्यारह के बाद क्वेश्चन नंबर बारह और तेरह नंबर क्वेश्चन नंबर बारह और तेरह देखिए बच्चों इसमें कहा गया कि दो की पावर अड़तीस गुणे पांच की पावर बत्तीस का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं ठीक है इसी प्रकार ये तेरह नंबर भी है कहा गया एक ग्राम दही में दस डबल जीरो ट्रिपल जीरो वायरस होते हैं इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है इसे हम दो भाग में तोड़ लेंगे क्या क्या कितने कितने भागों में एक तोड़ेंगे बत्तीस के भाग में ऐसे दो की पावर कितना हो जाएगा बत्तीस लिख देंगे ठीक है गुणे दो की पावर अब कितने बचे हैं कितने बचे हुए हैं बत्तीस ये हो गए बत्तीस और छः ये हो जाएंगे अड़तीस गुणे पांच की पावर बत्तीस ठीक है इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर छह लिख दें और यहाँ पर बत्तीस लिख दें एक ही बात है ठीक है अब उसके बाद हमें क्या करना है तो दो की पावर छः गुणे देखिए आधार अलग अलग है लेकिन घाते बराबर हैं तो इसको हम इसके जो आधार हैं वो आपस में इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा घात सेम लगेगी ठीक है तो अब दो की पावर छह है तो इसे हम पहले गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा कितना आ जाएगा इसे अगर आप गुणा करेंगे छह बार दो गुणे दो गुणे दो तीन चार पांच ये हो जाएगा छह। देखिए दो दूनी चार चार दूनी आठ आठ दूनी सोलह सोलह दूनी बत्तीस बत्तीस धूनी चौंसठ कितना आ जाएगा चौसठ गुणे पांच धूनी दस की पावर बत्तीस ठीक है तो उसने पूछा कुल कितने अंक हैं तो देखिए दस की पावर बत्तीस यानी कि बत्तीस जीरो तो ये हो गए एक और दो बत्तीस दो चौंतीस कितने अंक हैं चौंतीस अंक हैं और इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं छह दशमलव चार एक अंक में हम लाए हैं तो जितने अंक पहले लाए हैं उतने यहां पर जीरो बढ़ जाएंगे एक जीरो और बढ़ जाएगा तो बत्तीस की जगह पर तैंतीस हो जाएगा ये होगा आपका आंसर ठीक है कितने अंक हैं यहाँ पर लिख देंगे कुल अंक कुल अंक कितने रहेंगे चौतीस ठीक है ये दोनों आपके आंसर होंगे अब यहां पर देखिए एक ग्राम दही में इतने वायरस होते हैं तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं कितने जीरो लगे हुए हैं एक दो तीन चार पाँच छीन तीन छ छ जीरो हैं ठीक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक कूड़े एक कितने जीरो हैं छह जीरो हैं तो दस की पावर छ ऐसे भी लिख सकते हैं और लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक दशमलव जीरो एक अंक पहले दशमलव आए लाए इसको हम लिख सकते हैं दस की पावर सात वायरस ठीक है वायरस इतना हम इसको लिख सकते हैं उम्मीद है कि 12 और 13 नंबर आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे चलिए आज की क्लास के हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखिए बच्चों इसमें कहा गया कि गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया ठीक है प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में दो मिनट का समय लगाता है यदि कक्षा में चौसठ बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घात में व्यक्त कीजिए बेहद आसान क्वेश्चन है बच्चों ठीक है चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुल समय कितना लगता है कुल समय तो देखिए एक बच्चे को दो मिनट लगता है दो मिनट कुल बच्चे कितने हैं वो चौसठ बच्चे हैं तो अगर आपस में गुणा करेंगे तो चौसठ दूनी कितना हो जाएगा दो चौको आठ और दो छंग बारह एक सौ मिनट लग रहा है अब इसको हमें घात के रूप में बनाना है घात के रूप में बनाने के लिए हमें एक सौ का गुणनखंड करना होगा ठीक है तो चलिए एक सौ अट्ठाईस का हम गुणनखंड करते हैं कहां पर यहां पर एक सौ अट्ठाईस दो से काटेंगे दो छंग बारह दो चौको आठ दो तेई छः दो दोनी चार फिर दो से काटेंगे दो इकनम दो दो छंग बारह ये हो जाएगा दो अठे सोलह यहाँ पर आठ बचा हुआ है फिर दो से काटेंगे दो चौको आठ दो दूनी चार दो इकन्नम दो देखिए कितने दो तो हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात यानी इसको हम लिख सकते हैं दो की पावर सात मिनट ठीक है अब यहां पर पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए ये देखिए क्वेश्चन लिखे बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत ही आसान है ठीक है अब यहां पर देखिए एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रसित थे जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित हवा में 2000 हजार विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए जो कि एक सप्ताह में सौ गुना बढ़ जाते हैं तीन सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन में लिखिए अब देखिए यहां पर लिखेंगे कुल कुल जीवाणु ठीक है कुल जीवाणु तो पहले देखते हैं कुल जीवाणु है कितने ठीक है कुल जीवाणु है कितने पहले वो देखते हैं दो हजार थे कितने थे दो हजार कहा गया प्रति सप्ताह वो सौ गुना बढ़ जाते हैं तीन सप्ताह बाद कितने अब दो हजार थे एक सप्ताह में सौ गुना बढ़ गए फिर दूसरे सप्ताह में फिर सौ गुना बढ़ गए तीसरे सप्ताह में फिर सौ गुना बढ़ गए तो कुल संकेतन के रूप में हमें इसे लिखना है ठीक है तो देखिए कितने जीरो हो गए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ यानी इसको हम लिख सकते हैं दो गुणे दस की पावर ठीक no. है तो ये हो जाएगा आपका आंसर ठीक है बच्चों यहां पर लिख देंगे जीवाणु इतने जीवाणु तीन सप्ताह में उत्पन्न हो जाएंगे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहद आसान लगी होगी एक से पंद्रह तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ साझा करें ठीक है जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से होती रहे अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों जय हिंद